हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 50 सेट को देख लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 51 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण दीपावली के दिन दोस्तों हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल के बकरी नामक टापू पर जाकर आज़ाद दस्ता का गठन किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? कीकट शब्द। कीकट का अर्थ होता है अछूतों का देश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। दोस्तों, द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द मदरलैंड की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों, यह सितंबर 1921 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम एकता और गांधीवादी विचारधाराओं के प्रसार के लिए मजहरुल हक के द्वारा द मदरलैंड की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों, किसके लिए किया गया था? तो राज शब्दोपजीवी संघ, इसका अर्थ होता है गणराज्य शब्द। क्या होता है? राज शब्दोपजीवी संघ का मतलब तो गणराज्य शब्द होता है, और इसका प्रयोग लिच्छवी के लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिच्छवी। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 फरवरी। कब? 6 फरवरी 1921 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, जिसे 1942 ईस्वी में अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। अगर हम बिहार में बिहार विद्यापीठ की बात करें, तो दोस्तों बिहार के पटना में विद्यापीठ की स्थापना राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था, और जमीन जो है वो मजहरुल हक ने दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन का उपबंध अंतर्विष्ट है, यानी विधान परिषद का निर्माण और उसको विघटन करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, वो अनुच्छेद है 169। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 169। अगला प्रश्न है, महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो महाधिवक्ता जो है दोस्तों, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, जबकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जिस तरह महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, उसी तरह महाधिवक्ता भी राज्यपाल के तरह के प्रसाद पर्यंत होता है। महाधिवक्ता जो है दोस्तों, ये विधानसभा विधान परिषद दोनों में भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। महाधिवक्ता की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों, आर्टिकल नंबर 165 165 में महाधिवक्ता की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया। तो दोस्तों, पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसके साथ अन्य दो शब्द और जोड़े गए, जो कि था समाजवादी और अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में बस एक बार संशोधन किया गया है 1976 में, और वो था 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर
1959 ईस्वी में हुआ था। कब? तो अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर नामक स्थान से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों ली कमीशन भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है। किससे? भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ली कमीशन का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1923 ईस्वी में किया गया था। कब? 1923 ईस्वी में। इसमें दोस्तों भारतीय और ब्रिटिश सदस्यों की संख्या बराबर थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों भारत सचिव पद 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत शक्तियों का शक्ति जो है सीधे रानी के हाथ में चला गया था। दोहरी सरकार की प्रणाली जो थी उसको समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव का पद को बनाया गया। दोस्तों 1858 भारत शासन अधिनियम को गुड गवर्नेंस अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे ये पूछे कि 1858 के भारत शासन अधिनियम को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा गुड गवर्नेंस अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? अब ये भवानी मंदिर देख के आप लोग ये मत समझने लग जाइएगा कि ये मंदिर है। दोस्तों ये बिल्कुल भी मंदिर नहीं है। भवानी मंदिर अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया एक राजनीतिक गुप्त पैम्पलेट था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई ये राजनीतिक मुद्दे पर लिखा गया पैम्पलेट था और यह गुप्त तरीके से लिखा गया था। तो भवानी मंदिर पैम्पलेट है और इसे अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, मैंने इसे तीन चार बार इसलिए रिपीट किया ताकि आप इस चीज़ को याद कर लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा मंदिर को देख के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी? तो दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की नींव सुनते ही आप लोगों के दिमाग में लॉर्ड मैकाले आ गया होगा। तो बिल्कुल भारत अंग्रेजी शिक्षा की नींव लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में डाली थी। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा जा रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में शिक्षा से संबंधित है, तो ये भी सही है। पाश्चात्यविद यानी पश्चिमी प्रभाव जो देखने को मिला था वो और आंग्ल विवाद हो गया था, तो ये भी शिक्षा से संबंधित है। पश्चिमी विद और आंग्ल विवाद के टाइम पे दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये देने की बात कही गई थी, लेकिन इस विवाद की वजह से उस रकम को नहीं दिया गया। तो ये तीनों के तीनों अंग्रेजी शिक्षा की नींव से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें पूछ रहा था सही उत्तर को चुनना है, तो तीनों के तीनों कथन सही है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फीनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? दोस्तों फीनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में, कब? 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन के पास फीनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? दोस्तों हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रयाग में किया गया। कहाँ पे? प्रयागराज में किया गया। 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा का स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध हमारे राष्ट्रध्वज के डिजाइन से है, यानी हमारे राष्ट्रध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों पिंगली वेंकैया ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, यहाँ पे वैदिक हो जाएगा, सॉरी गाइज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिता, उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्य और फिर उपनिषद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैदिक संहिताएँ ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? तो अशोक की कौन कौन सी लिपियाँ रही थी? तो इसकी मेन चार लिपियाँ रही थी,
मतलब मेन तीन लिपियां रही थी, ऐसे चार लिपियों में इसको लिखा गया था। तो मेन जो तीन लिपियां थी वो थी ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक, और चौथी जो थी वो ग्रीक लिपि में भी अशोक के अभिलेख देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक। दोस्तों ब्राह्मी और अरमाइक जो है यह प्रकृति भाषा में लिखी गया है, प्रकृति भाषा का उपयोग किया गया, जबकि खरोष्ठी पाकिस्तान में जो अभिलेख मिलते हैं वो खरोष्ठी भाषा में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करना है, एक तरफ लेखक दिया हुआ है दूसरी तरफ उसकी रचनाएं दी हुई है। तो चलिए देखते हैं, पहला है मेघास्थनीज, मेघास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है, टॉलमी के द्वारा लिखा गया पुस्तक जियोग्राफी है, प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरी का लिखा था, और वेनशांग ने सी यू की नामक पुस्तक को लिखा था। तो इसका सही आंसर 3, 1, 2 और 4 हो जाएगा, कौन सा 3, 1, 2 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? तो दोस्तों सबसे पहले कृषि उत्पादन नवपाषाण काल में शुरू हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित है? तो दोस्तों शेरशाह और अकबर के भू राजस्व प्रशासन से संबंधित टोडरमल है, कौन? टोडरमल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेरशाह और अकबर के दोनों के टाइम में टोडरमल उसके वित्त मंत्री रहे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने और अपनी छवि अंकित करने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो दोस्तों सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने और अपनी छवि अंकित करने की प्रथा जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे तो इसे इल्तुतमिश ने इस प्रथा को शुरुआत की थी, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से जहांगीर जो है वो सही आंसर होगा। इल्तुतमिश के बाद जहांगीर ने ही टकसाल पर उसका नाम लिखना और अपनी छवि अंकित करने की प्रथा को शुरू किया था। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों चोल साम्राज्य की स्थापना 850 ईस्वी में विजयालय के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों विजयालय ने पल्लवों के ध्वंसावशेष पर यानी पल्लवों को हराकर उस जगह पर चोल साम्राज्य की स्थापना की थी और अपनी राजधानी तंजौर को बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रारंभ में चोल की राजधानी विजयालय ने तंजौर को बनाई थी, जबकि दोबारा जब चोल साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो बाद में चोल साम्राज्य की जो राजधानी हो गई थी वो उरईउर हो गई थी। तो इन दोनों में आप कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर प्रारंभिक पूछे तो तंजौर याद रखिएगा और फिर बाद में उरईउर। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ी है? तो दोस्तों आप पहले जान लीजिए कि अरावली की पहाड़ी किन किन राज्यों में है। तो दोस्तों अरावली की पहाड़ी राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान में अरावली की पहाड़ी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी का अपरदन क्रिया द्वारा होता है? तो नदी की अपरदन क्रिया के द्वारा गॉर्ज का निर्माण होता है, यानी कि नदी जब पहाड़ से गुजरती है तो वो काटते छांटते नदी प्रवाहित होती है, तो उससे गॉर्ज का निर्माण होता है। जबकि नदी के निक्षेपण से जलोढ़ पंख, बाढ़ का मैदान और डेल्टा का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों वलित पर्वत का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सियरा नेवादा। सियरा नेवादा जो है दोस्तों यह एक ब्लॉक पर्वत है, ना कि वलित पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होता है? तो दोस्तों ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव या फिर खिंचाव की वजह से होता है। सियरा नेवादा यह ब्लॉक पर्वत है, ना कि वलित पर्वत। जबकि रॉकी, हिमालय और इंडीज ये तीनों वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो उस टकराव की वजह से जो पर्वत का निर्माण होता है वो होता है वलित पर्वत, जिसे हम लोग नवीन पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो दलहन और तिलहन में उत्पादित करने वाला सर्वाधिक
उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि दूसरे स्थान पर कौन है? तो दोस्तों दूसरे स्थान पर राजस्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट स्लैव झील है? दोस्तों ग्रेट स्लैव झील यह कनाडा में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? तो दोस्तों हम्बोल्ट जलधारा यह दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम्बोल्ट जलधारा जिसे हम लोग पेरू जलधारा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, चुकसी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दोस्तों चुकसी सागर यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पे है? आर्कटिक महासागर में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? तो सबसे दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश जो है वो है लेसोथो। कौन है? लेसोथो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? दोस्तों किलिमंजारो पर्वत यह तंजानिया में स्थित है। कहाँ पे? तंजानिया में, जो कि अफ्रीका का एक देश है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन सा कौन देश बना रहा है? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि पोलर सिल्क रोड है क्या। तो दोस्तों पोलर सिल्क रोड उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोप को जोड़ने वाली आर्कटिक शिपिंग मार्ग को पोलर सिल्क रोड कहते हैं, जिसका निर्माण चीन के द्वारा करवाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों भारत का 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा राज्य है वो? तो वो है राजस्थान, गुजरात और पंजाब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक और है लेकिन वो यूटी है, तो वो है जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर ये चारों पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से 3 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों इको मार्क यह एक लेवल को प्रदर्शित करता है, यानी लेवल लगाने की व्यवस्था है। ऐसे चीज़ों को दिया जाता है जो कि इको फ्रेंडली होता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इसमें से किससे संबंधित है? तो दोस्तों गोल्डन आवर यह हार्ट अटैक से संबंधित है। दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से हार्ट अटैक से संबंधित है गोल्डन आवर। वैसे दोस्तों अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या फिर वैसा आकस्मिक कोई घटना होती है तो उसमें 60 मिनट के अंदर अगर उन्हें अच्छी चिकित्सा मिल जाती है तो वो गोल्डन आवर के अंतर्गत आता है। तो हार्ट अटैक भी एक जोखिम से भरा हुआ है। तो अगर इसमें 60 मिनट के अंदर चिकित्सा मिल जाए तो ये गोल्डन आवर के से संबंधित होगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जाँच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो दोस्तों सर्वदाता जो रक्त समूह होता है वो होता है ओ नेगेटिव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओ नेगेटिव किसी को भी दिया जा सकता है। तो अगर किसी भी दुर्घटना में रक्त जांच की समय नहीं मिलता तो उसे ओ नेगेटिव ब्लड दिया जाता है। जबकि सर्वग्राही कौन होता है? तो वो होता है ए बी पॉजिटिव। हम याद रखिएगा, ए बी पॉजिटिव होता है सर्वग्राही और सर्वदाता ओ नेगेटिव होता है। अगला प्रश्न है, जब तक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब होगा। तो दोस्तों जब व्यक्ति वृद्धा हो जाता है यानी बूढ़ा हो जाता है, उसका सामान्य रक्त दाब बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? तो दोस्तों क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग द्रव्य मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तंभ बी में दिए गए स्रोत को स्तंभ ए में दिए गए उत्पाद से मिलाना है, यानी कि एक तरफ स्रोत दिया हुआ है और एक तरफ उत्पाद दिया और इसे मिलाने को कह रहा है। तो फार्मिक अम्ल चीटी में पाया जाता है दोस्तों, साइट्रिक अम्ल या नींबू में पाया जाता है और टार्टेरिक अम्ल जो कि इमली में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 3, 1 और 2। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है। तो दोस्तों लोहा हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट एक हेमेटाइट लोहा अयस्क है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो दोस्तों एक नैनोमीटर 10^-7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर मीटर में पूछता तो दोस्तों मीटर में 10^-9 मीटर के बराबर होता है एक नैनोमीटर। तो अगर मीटर में पूछे तो 10^-9 याद रखिएगा, और अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 10^-7 सेंटीमीटर के बराबर होता है एक नैनोमीटर। अगला प्रश्न है, पदार्थ का के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान का प्राप्त किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों द्रव्यमान जड़त्व का एक मात्रात्मक मापक है जो पदार्थ का एक मूलभूत गुण भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? दोस्तों सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना इसलिए कठिन है क्योंकि बर्फ चिकना सतह होता है और चिकनी सतह पर घर्षण बल कम लगता है, जबकि खुरदरे जगह पर घर्षण बल अधिक लगता है, जिसकी वजह से सड़क पर चलना आसान होता है बर्फ पर चलने की अपेक्षा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का माप क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पियर तथा विभवांतर 12 वोल्ट है? तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है R=V/I। तो वोल्ट कितना है, 12 वोल्ट है और विद्युत धारा कितना है, तो 10 है। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.2 ओम आएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.2 ओम। अगला प्रश्न है, यदि चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगी? तो दोस्तों अगर वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 4 गुना क्यों होगा? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ पे अगर वेग 3 गुना होता तो गतिज ऊर्जा इसके समानुपाती यानी वर्ग के समानुपाती होगा। तो इसका वर्ग यानी 9 गुना हो जाएगा इसका गतिज ऊर्जा। अगर यहाँ पे 4 गुना कर दिया जाए वस्तु के वेग को तो 16 गुना अधिक गतिज ऊर्जा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप किस इसका जो है वर्ग के समानुपाती होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में मृग मारीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है? दोस्तों मृग मारीचिका उत्पन्न होने का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। विभिन्न घनत्व की वायु की परतों पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से मृग मारीचिका बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? तो दोस्तों सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट पे पूछे तो फ़ारेनहाइट पे 98.4 फ़ारेनहाइट होगा। अगला प्रश्न है, सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? दोस्तों जेट इंजन यह रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। प्रश्न है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों फाउंटेन पेन जिसे आप लोग पहले देखते होंगे कि स्याही वाला जो पेन होता था उसे फाउंटेन पेन कहते हैं, इसके आविष्कारक वाटरमैन थे। कौन थे? वाटरमैन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं तक था, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ ला सकें। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।